सो वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिले। तो चले आ सॉन्ग रिलीज होकर 8 घंटे से ऊपर हो गए एंड व्यूज आर लाइक 5 मिलियन व्यूज है हिंदी में, 5.3 मिलियन व्यूज हिंदी में एंड तमिल में 1 मिलियन व्यूज ऑलरेडी, तमिल में 1 मिलियन व्यूज टच कर गया वो एंड जबकि सब्सक्राइबर्स उसमें सिर्फ 3 मिलियन है, टी सीरीज तमिल में सिर्फ 3 मिलियन है एंड कमिंग टू थर्ड दैट इज तेलुगु वर्जन जिसमें कि 6 लाख तक अप्रॉक्सीमेटली व्यूज पहुंच चुके, जो कि मेरे को लगता है कि ये एक ओके टू गुड परफॉर्म बोल सकते हैं। बिकॉज क्या है इसमें सीन क्या है कि रेड चिलीज, ये सारा का सारा क्रेडिट एंड श्रेय जाता है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को, बिकॉज रेड चिलीज एंटरटेनमेंट अपना ही कुछ कर रहा है, अपने जो तरीके से उनको अनाउंसमेंट करना है, प्रीमियर लगाना है, चीज़ों को हाइप देनी है, वो हाइप की तो मतलब माँ बहन कर रहे हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। सो नो डाउट इन दैट वो लोग क्लिप उठाकर कहीं पे भी डाल देते हैं, 2 दिन पहले क्लिप डाल देते हैं, म्यूजिकल कुछ भी कर देते हैं, तो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को, नो डाउट। वायर ऑफ यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस का वो द वे देयर प्रेजेंटेशन की इस दिन ये आ रहा है, इस दिन ये आने वाला है, प्रीमियर लगता था, ये लगता था। और एक तो 50 सॉन्ग डाल दिया इसमें, मेरे को नहीं पता, पहले 3 थे, 3 से अभी 4 हो गए, मेरे को नहीं मालूम क्या सीन चल रहा है, बट फिर भी गाना तो सही गाना है, गाना तो नो डाउट बढ़िया गाना है, एकदम बढ़िया गाना है, 2, 3, 4 बार रिपीटेड वैल्यू में सुनने वाला गाना है। तो ये गाने को लेकर पहले लोग रोते, जैसे ही गाना वायरल होने लगता है 200-300 मिलियन व्यूज़ टच होने शुरू हो जाते तो ये लोग बोलते हैं मेरा नंबर 1 फेवरेट सॉन्ग है। सो नो डाउट इन दैट कि सॉन्ग तो ज़बरदस्त है, सॉन्ग में कोई डाउट नहीं कि सॉन्ग खराब सॉन्ग का तो सवाल ही नहीं पता था, इवन वॉइस से लेकर विजुअल से लेकर हर चीज़, ये सॉन्ग में तो हर चीज़ सही है। हाँ बस रेड चिलीज का प्रेजेंटेशन ऐसा है कि लोगों तक फिल्म पहुंचने से पहले ही रेड चिलीज एंटरटेनमेंट उसका 10 से 50 क्लिप निकालकर खुद ही अपने चैनल में अपलोड कर देती है, तो ठीक है वो उनका चॉइस है, वो कलेक्शंस उनको जो है वो उनका रिजल्ट कलेक्शंस के थ्रू ही उनको पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं है। तो जो भी है एज ऑफ नाउ 8 घंटे के अंदर 5.3 मिलियन हिंदी व्यूज, 1 मिलियन तमिल व्यूज, तमिल में 1 मिलियन मारा हुआ है, तमिल में भाई इस फिल्म का हाइप तगड़ा है। मेरे को रेड चिलीज की हरकतें देखकर मेरे को हिंदी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का तो पता नहीं, बट इतना पता है कि वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस नंबर बहुत डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ तमिल कलेक्शंस कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया स्टेट्स तमिलनाडु से जो कलेक्शंस होंगे इस फिल्म को एडिशन जो देंगे, तो डबल डिजिट का कलेक्शंस भी तमिलनाडु से आएगा तो भी फिल्म 50-55 करोड़ टच कर जाएगी, क्योंकि रेड चिलीज कोई जगह पे भी कटआउट्स, कोई जगह पे भी मतलब लाइव कॉन्फ्रेंस, ट्रेलर लॉन्च, ये वगैरह ये सब चीज़ें, हैशटैग ट्रेंड्स कराना, पोस्टर्स को लगवाना और प्रीमियर लगवाना, लाइव सेशंस, लाइव प्रीमियर लगाना, कोई वीडियो को, सॉन्ग्स को, ट्रेलर को, अनाउंसमेंट, ये सब कुछ नहीं कर रही है, प्रीव्यू ला रही है रेड चिलीज, प्रीव्यू ला रही है, ट्रेलर टीजर नहीं, प्रीव्यू ला रही है, तो ठीक है वो कॉन्सिक्वेंसेस है कि वो पॉजिटिव है, वो फ्यूचर बताएगा, बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से कि तमिल में भाई इस फिल्म को फुल ऑन तमिलनाडु के अंदर फुल ऑन इस फिल्म का क्रेज़ है, नो डाउट इन दैट, एंड वहाँ के कलेक्शंस तो इसको ज़बरदस्त बूस्ट करेंगे। इवन सॉन्ग में भी चेक कर लो, 1 मिलियन व्यूज सिर्फ 8 घंटे के अंदर तमिल में हो गया इसका, तो नो डाउट इन दैट कि देखते हैं कि रिकॉर्ड्स बनते हैं, पठान के रिकॉर्ड्स टूटते या नहीं टूटते वही देखते, तो क्योंकि टारगेट तो वही होना चाहिए एज ऑफ नाउ कि वो रिकॉर्ड टूटे, उससे बड़ा रिकॉर्ड क्रिसमस वाले पर कोई डाउट नहीं करना, क्रिसमस वाले का जो कप्तान है ना वो सबसे खतरनाक आदमी, वहाँ पर रेड चिलीज का चलेगा नहीं क्योंकि उसमें जियो भी इन्वॉल्व है, तो नो डाउट इन दैट, तो देखते हैं कि क्या होता है। एज ऑफ नाउ 5 घंटे में 8 घंटे में 5 मिलियन व्यूज़ एंड टोटल मिलाकर हिंदी तमिल एंड तेलुगु मिलाकर 6.5-7 मिलियन व्यूज़ हुए।